ज्ञान भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाथाय संभवानि युगे युगे। साथियों, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जाने वे मंजिल मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये बात मैंने इसलिए बोली दोलाई ने, क्योंकि अब मेरे साथ एक बहुत बड़ा कारवां जुड़ चुका है। आप में से जो मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, उनमें से एक काफ़ी बड़ा ग्रुप मेरे साथ जुड़ चुका है, जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ देने की कोशिश की। क्योंकि जब से मेरे वीडियोस शुरू हुए हैं, ये सीरीज शुरू हुई है जिसके बारे में, जिसमें कि मैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में, जो फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ये फेक इंस्ट्रूमेंट है कोई, इसके बारे में जब से मैंने वीडियो डालनी शुरू की, तब से दोनों तरह के प्रेशर मेरे सामने आने शुरू हो गए। एक वो जो तारीफ करते हैं, एक वो जो क्रिटिसाइज करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और हमने एक रास्ता पकड़ा, एक राह पकड़ी है जिसमें कि हम फेक, यानी जो जिसके पीछे कोई आधार नहीं, ऐसे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, इसको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या कलाकारी, क्या बाजीगरी, क्या इसमें जादूगरी की जाती है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यूज करने वालों की। कोई होगा, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हाईली साइंटिफिक, कोई नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित, कोई सुपर माइक्रो और पता नहीं क्या क्या, अगर आपके पास कोई इतना ज़बरदस्त कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, होगा आपके पास, लेकिन मैंने नहीं देखा ऐसा। फिर भी ये जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर की जो बाढ़ आ गई है, और आपके शहर में एक नहीं 10-20-50 कंसल्टेंट ऐसे घूम रहे हैं जो कि फीस भी नहीं लेते, बिना फीस लिए भी आजकल आने लग गए हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले वास्तु कंसल्टेंट, और वो आने के बाद में फिर आपके घर को चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपके घर में कहां कहां पर क्या क्या चीज़ नेगेटिव है। आधा घर तो नेगेटिव हो ही जाता है उनके हिसाब से, और बहुत जगह पर आपको दिखाया जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस, ये है बहुत बड़ा धोखा। मेरे एक क्लाइंट हैं, जानकार बहुत नज़दीक, वो अक्सर कहा करते हैं कि सर, बादाम और धोखा, बादाम और धोखा, इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है? तो वो कहते हैं, इन दोनों में जो बढ़िया है बादाम नहीं है, धोखा है, क्योंकि बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी कि धोखा खाने से आती है। तो जिनके साथ में ऐसा हो जाता है, जो एक बार लपेट में आते हैं और उसके बाद 10-20-50 हज़ार की, 1 लाख की, कई लाख की, 10-10-20-20 लाख की ऐसी रॉड, ये जो देख रहे हैं ये रॉड है आपके सामने, जो कि मार्केट में भी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो स्कैनर वाले होते हैं वो आपको देते हैं, भिड़ाते हैं, देते नहीं हैं ना, बेचते हैं, भिड़ाते हैं आपको कि ये लगाओ, इसके बाद आपकी हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे। साथियों, हो सकता है कि मेरे ये जो वीडियो आपने कई देखे, इससे पहले भी कई वीडियो बनाए मैंने इसी टॉपिक के ऊपर और आगे भी बनेंगे, इसमें हो सकता है आपके मन में 1% एक बार ये बात आ जाए कि भारद्वाज जी, आप इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि मैं ठीक बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, इसके जो भुक्तभोगी हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों के हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों से जिनका वास्ता पड़ा, और वो लोग भी जिन्होंने, जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, सच्चे वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष में डील करते हैं, मेडिकल साइंस वाले हैं, जिनको कि अपने प्रोफेशन पे कॉन्फिडेंस है, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, उनके कमेंट्स, उनकी जो स्टोरीज हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं मेरे कमेंट्स के ऊपर। YouTube जो मेरा वीडियो है उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, बहुत सारे जवाब देते हैं, और आपस में भी शेयर कर रहे हैं, आप देखिए बड़े काम की मज़ेदार चीज़ें उसमें चल रही हैं।
अब दो प्रेशर काम कर रहे हैं, एक वो जिनको बुरा लग रहा है, जिनको बुरा लग रहा है कि हम जो है ये चीजों को उजागर कर रहे हैं, हम इसका पर्दाफाश कर रहे हैं, तो उनकी तो जो ये धोखे की दुकान है, 420 की दुकान है, फ्रॉड की दुकान, तो उनकी बंद होने वाली है। और अब इसके बाद उनके दिल में एक डर भी पैदा हो रहा है कि इसके बाद जब किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, अगर उसने डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का ये वीडियो देख लिया होगा, तो वो तो पहले से चौकन्ना है, पहले से वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, वो हमारी 420 चार चालाकी पकड़ लेगा। तो उनको ये भी डर सताने लगा है। दूसरी बात, ये डर सताने लगा है कि अगर वो ये काम बंद कर दें तो क्या करेंगे। ये डर जो है, जो दूसरा डर है, ये इसके पीछे कोई आधार नहीं है। अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष में डील करते हैं, या जो भी प्रोफेशन आपका है, रेखी है, किसी में भी डील करते हैं और हमें, तो आप अपने प्रोफेशन पर आ जाओ ना, सच्चा प्रोफेशन करो, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत पुराने समय से, सैकड़ों हजारों साल से ऑकल्ट साइंसेस अपना काम करती चली आई है। अब इसके बाद में आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने जो बताया था वो ठीक था या गलत था, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। सबसे पहला तरीका, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऑरा स्कैनर को मांग लो उसे 2 मिनट के लिए, अपने आप चेक करके देख लो, पहला मेथड। दूसरा मेथड, अगर आप ये आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो है ना आपको कुछ गड़बड़ हो सकता है और ये गलत बताएगा, तो क्या है कि ये जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले हैं, इनके पास ऐसे बक्से होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और इनके अंदर वायल होती हैं, शीशियाँ होती हैं, जैसी होम्योपैथी की शीशियाँ होती हैं ऐसी शीशियाँ होती हैं। तो इन शीशियों के ज़रिए वो ये बताते हैं कि आपको कौन सा जो है, कौन सा स्टोन, आपको कौन सा पत्थर आपको सूट करेगा। अब उसको चेक करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें, इसमें तरह के अपने सैंपल लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जो है आपका मूंगा चेक करने के लिए, आपके जो है ये चेक करना कि किसको क्या सूट करेगा, ये चेक करने के लिए आपको, जैसे मैं पहले बताया था मैंने, ये ऑरा स्कैनर यूनिवर्सल और फेक ऑरा स्कैनर, फेक इसलिए कहता हूँ बार बार क्योंकि ये जो है कोई असली नहीं है और ये कोई काम करने वाली चीज़ नहीं है। कुछ इस तरह से आते हैं और आने के बाद पहले इसकी जो है लाइट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन किया, ये ऑन किया, उसके बाद में इसके जो एंटीना है ये निकाले, बाहर निकाले। अब ये बहुत हाईली टेक्निकल, मतलब जब वास्तु कंसल्टेंट्स को यूज़ करा तो आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और आपको लगता है आप एकदम से इन्फ्लुएंस होना शुरू कर देते हैं उससे, आपको लगता है कि अरे ये तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कोई हाईली साइंटिफिक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आ गया। और वो जो आता है आपके पास में, वो भी ऐसे जार्गन यूज़ करता है, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज़ करता है साइंस के, जिससे कि आपको वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसमें वो कहते हैं जियो वाइब्रेशंस बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, और जो है जो भी इनके पास आता है, जो भी वर्ड वो बोल सकते हैं, हाईली साइंटिफिक, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट उड़ाते हैं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये केवल और केवल जिधर हम चाहते हैं उधर घुमाते हैं, जिधर चाहते हैं उधर इसको मूवमेंट ले सकते हैं, हम जिस चीज़ को चाहे नेगेटिव शो कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको हम पॉजिटिव शो कर सकते हैं। जब ये ऐसे खुलता है तो पॉजिटिव शो करता है, जब ये बंद होता है तो ये नेगेटिव शो होता है, क्योंकि इसमें है वेट। अब मैं आपको बताने वाला था कि हाँ, जब दिखाते हैं कहीं पर कि आपके घर में ये कमी है, ये चीज़ गलत बनी है, ये वो बना है, आपके घर में दिशा गलत है, तो उसके लिए तरह तरह की, आप देख रहे हैं बहुत सारी रॉड्स हैं, इस तरह की रॉड्स को यूज़ करते हैं और ये रॉड कहीं पर रखते हैं, दीवार के अंदर लगाते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं, कारपेट के नीचे भी छुपा देते हैं कि देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद में देखिए हमारा जो स्कैनर है उसने इसको पॉजिटिव शो कर दिया। यहाँ तक की बात तो आपने सुन ली, अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, मैं एक मेथड और बता रहा हूँ। मैं अगली इन सब वीडियोस के अंदर आपको मेथड बता रहा हूँ, वो सबके सब 10-12 मेथड बताऊँगा मैं, जिससे कि आप किसी भी फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को, उसकी चालाकी को पकड़ सकते हैं, परिवार में बैठकर, अपने घर में बैठकर, या और लोगों को बुला लें, आसपास के लोगों को, मित्रों को बुला लें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वालों को रंगे हाथों पकड़ चुका हूँ झूठ बोलते हुए, और उनकी चालाकी उनके सामने बता चुका हूँ, क्लाइंट के सामने दिखा चुका हूँ कि इसने झूठ बोला और ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये कुछ भी चेक करने की चीज़ नहीं है। और यहाँ तक कि आप चाहें तो आप जो आपके घर में आता है, जो भी आपके पास में आया है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर के आपके घर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के लिए, आप उससे अगर ले लें किसी भी तरह से,
बहका के लें, प्यार से लें, और लेने के बाद में आप उसके पास ऐसे जाएं, और जाने के बाद ऐसे आगे बढ़े, और जाने के बाद में इसको हल्का सा मूवमेंट करेंगे, आप शो कर देंगे ऐसा है आप खुद ही नेगेटिव हैं आपके। और दूसरी बात, अपने घर में जिसको, आपके घर में जिसको उसने बताया कि नेगेटिव है, वहाँ पर जाके हल्का सा ऐसे मूव कर देना हाथों के मूवमेंट से। ये जो है ग्रेविटी के बेसिस के ऊपर काम करता है। इसमें कुछ भी साइंटिफिक हाईली नैनो टेक्नोलॉजी या इसके अंदर कोई भी क्वांटम एनर्जी, हाँ यही बताते हैं क्वांटम एनर्जी बेसिस, मतलब जो उनको वर्ड मिल जाए ना, एक जार्गन सा मिल जाए बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस अपने आप के अंदर एक बहुत टेक्निकल वर्ड है। इसी को तो एनकैश किया उन्होंने, एनकैश करने के बाद ये किया। अब ये है कि आप उनसे बोले कि देखिए हमारे घर के अंदर जाए, हम 6 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, आप अपने इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से आप ये बताइए कि हमारे घर में किसको क्या सूट करेगा, कौन सा स्टोन सूट करेगा, पत्थर। तो ठीक है, इसको भी वो चेक करेगा, जरूर चेक करेगा, हो सकता है आपके लिए एक्स्ट्रा पैसों के लिए बोले कि मुझे एक्स्ट्रा फीस लूँगा, यस कर देना। उसके बाद में एक एक करके चेक करवाना कि हाँ देखिए इसको क्या सूट करेगा, वो कहेगा इसको मूंगा सूट करेगा, इसको पल सूट करेगा। दूसरे मेंबर को बोलेंगे ब्लू स्फायरस को ये उसको सूट करेगा, इसको पन्ना सूट करेगा। तीसरे मेंबर को ये सूट करेगा, हर मेंबर का बारी बारी करना। और हाँ, नोट करते रहना, आप नोट करते रहना कि किसके लिए क्या क्या बताया, ठीक। और अगर कोई वीडियो बना सकें तो वीडियो बना लेना, किसी मेंबर से बोलना इसकी वीडियो बना लो, बता रहे हैं ये महाराज। उसके बाद में सब चेक होने के बाद, सब नोट कर लिया आपने, उसके बाद में अपने घर में ले जाओ, घुमाओ फिराओ, चाय पानी पिलाओ उसको, जो भी आपने करना है। 10-15 मिनट का, 20 मिनट का गैप कर देना। गैप करने के बाद जब उनका काम समाप्त होने वाला हो तो उनसे कहना, सर एक काम करो और करो, हम जरा सा इसको रीचेक करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं कि जो आपने अभी चेक किया था, एक बार फिर से सभी मेंबर्स का चेक कर दो, 6 मेंबर बैठे हैं आपके सामने, एक बार फिर से चेक कर दो साथियों, क्योंकि उसने कहीं नोट नहीं किया, उसने कहीं याद नहीं किया, हो सकता है किसी का एक दो उसको याद रह गया, अदरवाइज सब तो उसको याद नहीं रहे। जब वो फिर से आप उससे चेक कराएंगे तो जो उसने पहले बताया था उसको याद नहीं, किसके लिए क्या बताया था, वहाँ पर आपको 50% से 70-80 यहाँ तक कि 100% आपको बदलाव मिल सकता है, क्योंकि उनको तो याद ही नहीं रहा क्या बताया था उन्होंने, ये थोड़ा बताएगा, इसे क्या पता, क्योंकि इसमें जो शीशी लगाई जाती हैं, इस शीशी के अंदर जो है कुछ नहीं होता, ये खाली शीशियाँ होती हैं, खाली वायर होती हैं, देखिए बिल्कुल खाली शीशी है मेरे हाथ में, ये इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो है ये अपने याद रखने के लिए कि किसको क्या किस क्या 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 चीज़ डालनी है इसके अंदर, इसके लिए उन्होंने जो है कुछ अपना नंबर डाल रखा, सिर्फ ये जो पेपर नंबर है ना, इसके अंदर जो है कौन सी शीशी का कौन सा है, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये 318 लिखा हुआ है। 318 का मतलब बॉक्स नंबर 3 का 18 नंबर, बॉक्स नंबर 3 का 18 नंबर क्या हुआ, ये देखिए ये है मेरे पास बॉक्स नंबर 3, इसका है 18 नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ पॉजिटिव एनर्जी, राइट। तो ये जो है इसके अंदर है कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, और मैंने एक बार अपने वीडियो में काट कर भी दिखाया था इस शीशी को। अब जब आप दोबारा चेक आपने कराया और उनसे पूछा कि जरा बताइए, एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुन लेना, वो दोबारा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी 420 पकड़ी जाएगी, उनको याद नहीं है कुछ भी, किसको क्या बताया था, 6 मेंबर 7 मेंबर को उन्होंने बताया कि किसी को 2 स्टोन बताया, किसी को 1 बताया, आपको ब्लू, आपको नीलम सूट करेगा, उसको रूबी सूट करेगा, उसको ये करेगा, बता दिया उन्होंने, कहीं नोट नहीं किया। अगर नोट कहीं कर लेते वो तो फिर वो उसी बात को रिपीट करते, देख के नकल मार के बोलते, पकड़ी गई उनकी 420। तीसरा ये भी बता देते हैं वो लोग, ये भी क्लेम करते हैं कि हम ज्योतिष के बारे में भी, हम पूरा का पूरा ज्योतिष की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का तो कोई काम रहा ही नहीं, कोई मतलब रोल नहीं रहा इसके आने के बाद में। और जितने भी ईमानदार अच्छे हैं ना, जो अच्छे जो ट्रेडिशनल जो हमारे वैदिक शास्त्रों पर काम कर रहे हैं, हमारे ज्योतिष पर काम कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और वास्तु पर काम कर रहे हैं, ऑरा साइंस पर काम कर रहे हैं, जितनी ओकल्ट साइंसेस बहुत सारी हैं, परा विज्ञान बहुत सारे हैं, उन पर जो सच्चे मन से और सही तरह से खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, और उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इन सब के आने के बाद जब से इनकी बाढ़ शुरू हुई साथियों, बाढ़ इसलिए कह रहा हूँ, भरा पड़ा इंटरनेट, और आपके शहर में भी कम से कम 10-20-50-100 होने वाले ऐसे लोग जो इसको लेकर चलेंगे। और उन्होंने इतने बड़े बड़े क्लेम कर दिए, इतने उन्होंने टॉल क्लेम कर दिए कि उनके आने के बाद में ये जो सच्चे लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं, जो सच्चे मन से काम करते हैं, शास्त्रों के ऊपर काम करते हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ का मतलब लगा कि ये तो गए किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार। अब या तो वो अपनी जो है ज़मीर को त्यागें, या तो हम अपने ज़मीर को छोड़ें, और छोड़ने के बाद हम भी इसी लाइन में आ जाएं। हम सब जितने भी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष वाले हैं,
और जितने भी कर्मकांड करने वाले हैं या वास्तु कंसल्टेंट हैं और वाले हैं, हम सबके सब उसको छोड़ें और इस पर आ जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि मोटा पैसा कमाने का, बहुत जल्दी कम समय के अंदर मोटा पैसा कमाने का रॉड पड़ी है ना, रॉड बेच बेच के। ये रॉड अगर आपको मान लिया मार्केट में 400-500 रुपए की, 300 रुपए की मिलती है, तो एक रॉड को वास्तु कंसल्टेंट या यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला जियोपैथिक स्ट्रेस को उठाने के लिए, या अग्निकोण में अगर कोई समस्या है, किचन में कोई समस्या है, बाथरूम में कोई समस्या है, कोई चीज़ गलत जगह बनी है, अगर वहाँ पर उसको बनी है, उस दोष को हटाने के नाम के ऊपर आपसे एक एक रॉड के आपसे 5,000 से 10,000, 12,000, 15,000 रुपए लेते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीजें हैं सबकी सब, ये हमारे जो है हमारे शास्त्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, और उनके ऊपर भी कुठाराघात है जो कि जो अभी भी जो है रिसर्च करते हैं और वैदिक विषयों के ऊपर अपना काम करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे शास्त्रों को जिंदा रखा हुआ है या फिर से उसको पैरों पर खड़ा किया। क्योंकि एक समय था जब हमारे शास्त्र विलुप्त होते चले गए थे, किसी ने ख़त्म किया, कोई ले गया, किसी ने ख़त्म किया, किसी ने जलाया, किसी ने फूका, कुछ सड़ गया, कुछ हो गया, फिर से उनको फिर से इकट्ठा किया, सृजन किया उनका, और फिर से उनको एक सही रूप में ला करके फिर से उसके ग्रंथ बनाए गए। साथियों, ये बहुत लंबा सफ़र था, ये आसान काम नहीं था, ये या तो हमारे ऋषि मुनियों ने किया या फिर आजकल के समय में जितने लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिष पर, वास्तु पर, ऑरा साइंस पर, धर्म कर्म पर, ओकल्ट साइंसेस के ऊपर, एस्ट्रल वॉक के ऊपर, ये जितने भी साइंस हैं उन पर जिन लोग जो लोग काम कर रहे हैं, ये भी आज के डेट में आधुनिक ऋषि मुनि हैं, ये भी उनसे कम नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो विद्या हो रही ना, ये जो ठग विद्या चल रही है, ये ठग विद्या हमारी शास्त्रीय विद्या जो हमारी ओरिजिनल है, जो हमारी धरोहर है, हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारे वेद शास्त्र हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट करेगी ये। इसलिए जागना बहुत ज़रूरी है और आप सब मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ जाइए। और मेरे जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स देखिए दो तरह के आ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, एक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो इस धंधे में लगे हुए थे और उनको लगा कि इसमें उनको मज़ा आना शुरू हो गया, बिना मेहनत के पैसा कमाना शुरू कर दिया, कमाना नहीं पैसा बनाना शुरू कर दिया। और एक दूसरा ग्रुप है जिनको लगा था कि मतलब ये जितने भी ऐसे लोग हैं फ्रॉड करने वाले, उनके जो है ये जो उनका सही जो प्रोफेशन है, जो वास्तु की जो धर्म साइंस है हमारी, धर्म कर्म और हमारा जितना भी अच्छा ही है, इसको ख़त्म कर देंगे। उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक किया, सही स्टेप आपने उठाया। और एक बात और डिस्क्लोज कर दूँ, ये जब से मैंने अपने वीडियो डालने शुरू किए उसके बाद से आपको वीडियो और भी मिल जाएंगे, कुछ और लोग भी मेरे साथ खड़े हो गए, वीडियो बनाने शुरू कर दिए लोगों ने और इसके ऊपर आने शुरू हो गए यूट्यूब के ऊपर, और बहुत जल्दी एक नहीं होगा हजारों के हिसाब से ऐसे वीडियो आ जाएंगे जिसमें इसका पर्दाफाश हो रहा होगा। मैंने आपको तरीके बताए चेक करने के, एक तरीका और मेरे सामने मेल आ गई है, मैंने जो सामने कंप्यूटर खोला हुआ, अपना लैपटॉप खोला हुआ है, ये इसलिए खोला हुआ है, इसमें एक मेल मेरे सामने आई हुई है पंजाब से। मेरा वीडियो देखने के बाद किसी सज्जन ने देखा कि हाँ, ये तो यही करता था वो, उसने बोला सर आप जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली बना सकता हूँ, आप जो है मेरे सामने आकर बैठिए या मुझे बुलाइए और मैं इन्हीं के जरिए आपके पूरा का पूरा हॉरोस्कोप बता दूंगा, बना दूंगा, 12 घर के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि कहाँ पर है, पूरा का पूरा हॉरोस्कोप बनाकर दे दूंगा उसको। मैंने फिर जो है ये जानने की कोशिश की किस तरह से होती है, किस तरह से बनेगा, किस तरह से होगा, क्योंकि संभव ही नहीं है, असंभव है किसी को मेरी ग्रह दशा, अगर मैं किसी को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताता हूँ अपना मैं, तो वो जो है इसकी मदद से कुछ भी नहीं कर सकता। वो हॉरोस्कोप मेरा बनेगा तो जो सच्चे और अच्छे, जो मेहनती है, जो लोग हाथ से काम करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे जो अच्छे जो ज्योतिष वाले हैं जिनके लिए मेरे मन में बहुत बड़ा सम्मान है, वो बना सकते हैं हॉरोस्कोप, और इसके जरिए नहीं बनेगा। अब क्या होगा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मेथड नंबर तीसरा है चेक करने के लिए, अगर कोई ऐसे क्लेम करता है, क्योंकि इसने क्लेम किया हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं रहेगा, वो थोड़ी प्राइवेसी रखनी पड़ती है हमें, पंजाब से है, इतना आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़े शहर से पंजाब के। अब क्या होता है कि अगर आपको भी ऐसा कोई क्लेम करने वाला मिलता है और ऐसे चैलेंज करने वाला मिलता है, तो वो क्या करेगा, सुन लो ध्यान से, वो ये करेगा कि पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ ले लेगा, वो सब कुछ लेने के बाद उसके बाद में आपका चुपचाप हॉरोस्कोप निकाल लेगा या आपके सामने निकाल लेगा, उसको एक साइड पे प्रिंट लेकर रख देगा, उसके बाद में फिर वो चेक करना शुरू, आपको सामने बिठाएगा, लो मंगल चेक करता हूँ, लो ग्रह, ये आपका जो है शनि चेक करता हूँ, सैटर्न चेक करता हूँ, अब आपका यूरेनस चेक करता हूँ, अब आपका प्लूटो चेक करूँगा मैं, ठीक है, तो अब क्या है वीनस चेक कर रहा हूँ मैं आपका, अब आपका शुक्र चेक करूँगा, वो जो चेक कर रहा है वो वही चेक करके बता रहा है जो उसके सामने हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है।
वो कहेगा देखो इसमें जो है चौथे घर में आपका जो है राहु और केतु एक साथ बैठे हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको चौथे घर में राहु केतु, बिल्कुल वही दिखाएगा। अब अगर आपके पास ऐसा आता है कोई व्यक्ति और आपको इतना बड़ा क्लेम करता है तो आपने क्या करना है, दो तरीके आपके पास हैं। पहले तो कहना महाशय मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने बैठा हूँ आप मेरा हॉरोस्कोप बनाइए, जब आप हॉरोस्कोप बना दोगे फिर मैं आपको बताऊंगा और फिर मेरा हॉरोस्कोप निकालना कंप्यूटर से निकाल लेना या हाथ से बना लेना, फिर दोनों को टैली करना, अगर वो टैली होते होंगे तब तो है आपका ये सिस्टम सच्चा, अदरवाइज ये झूठा है। साथियों मना कर देगा, वो बनाएगा नहीं क्योंकि उसके पास विद्या है ही नहीं ये वाली, वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं वो, ठीक है। या एक तरीका और बताऊं मैं, आप उससे कहना ठीक है आप जो है मेरा नोट कर लो, उसको आपने जो अपना नेम को ठीक बता दिया, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ आप गलत बता दो, राइट गलत बता दो पूरी तरह से, गलत बता दिया तो वो उसी गलत के हिसाब से चुपचाप जो है अपने कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप के ऊपर आपका हॉरोस्कोप बना लेगा, वो उसको तो नहीं पता कि आपने गलत बताया है। फिर उसके बाद में वो आपको दिखाएगा चेक करके कि देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सामने बैठो, अब आप मेरे सामने बैठे हो, अब मैं आपका हॉरोस्कोप चेक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वो चेक कर करके आपके सामने ऐसी करेगा आपके कौन से घर में क्या है, कई तरह की कलाकारी करेगा वो, उसके बाद जो भी उसने मेथड सीखा होगा, क्योंकि सिखाने वाले भी बहुत तरह के हैं, कई हैं सिखाने वाले, जैसे सिखाया उसके हिसाब से आपका हॉरोस्कोप बनाएगा और बनाने के बाद वो जो हॉरोस्कोप उसने बनाया था उसको कन्फर्म करेगा, तभी उससे कहना महाशय मैंने तो आपको अपना डेटा ही गलत बताया और आप मुझे मेरी बॉडी के साथ में मेरे शरीर के साथ में मेरे ऑरा के साथ में आप जो वो चेक करके बता रहा है ये 100% फेक है, इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। साथियों चार मेथड मैंने आपको बता दिए और मेथड बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर, एक एक करके मैं सब नोट किए हुए हैं और आपको बताऊं कुछ मेथड तो मैं बताऊंगा, 10-12 मेथड तो मैं बताऊंगा और इससे ज़्यादा मेथड चेक करने के, क्रॉस चेक करने के आपके सामने आपको दिखाई पड़ेगा मेरे YouTube वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है, लोग देखो लोगों ने लिखा हुआ है तरीका कि ये तरीका है, एक ने देखो सज्जन ने लिखा हुआ है कि अगर ये अगर इतना ज़बरदस्त स्कैनर है जिसके आगे कि जिसको जिसके बाद कोई और चीज़ किसी की जरूरत नहीं पड़ती, गलत सही और झूठ फेक सब पता चल जाता है, तो इसका मतलब तो यह है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो चेक करते हैं फ्रिस्किंग करते हैं जो चेक करते हैं उनके पास स्कैनर होते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको हटा दो उनके हाथ में ये दे दो झुंझना या वास्तु वालों को खड़ा कर दो वही स्कैनिंग करते रहेंगे, क्या जरूरत है उसमें किसी की स्कैन करने का, ये लिखा है। और हाँ एक ने और आइडिया दिया था मुझे कि क्या ये जाली नोट पकड़ सकता है, मतलब इसमें अगर हम जो है सैंपल के तौर पर अगर जाली नोट इसके अंदर हम लगा देते हैं जो फेक नोट होते हैं या चूरन वाला जो बच्चों का नोट होता है मिलता है खिलौने वाला होता है वो लगा देते हैं और सामने बहुत सारे नोट के बीच में मिक्स कर देते हैं तो क्या जाके सीधा उसको पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता ये, क्योंकि ये है फेक, फेक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, फेक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि नहीं कर सकता ये। इसके अलावा और भी तरीके हैं, मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा और सिस्टमेटिकली, तब तक आप इसके बारे में चिंतन करें मनन करें और चिंता भी करें अगर आप इसके चक्कर में फंस चुके थे या फंसने वाले थे। हाँ आपका जो सबसे बड़ा रोल होगा मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ने का वो ये होगा कि आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें लोगों से, और आपको बताएं शेयर तो होना शुरू हो गया है, खूब अच्छी तरह से हो रहा है, वास्तु कंसल्टेंट्स के आपस में बीच में शेयर हो रहा है, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कि देखो जरा क्या बोला डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने, जरा बताओ ये क्या है ये कैसे चल रहा है, और जिनके साथ में धोखा हुआ था वो कह रहे हैं सर हम तो इसके लपेट में आ चुके थे और हमने जो है 60-70 हज़ार रुपये की रॉड लगवा ली थी और कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो फेक बता के चला गया, क्योंकि एक ने कुछ और बताया, दूसरे ने कुछ और बताया, तीसरे ने कुछ और बताया, विज्ञान कहाँ से रह गया, साइंस कहाँ से रह गई, ये कहाँ की नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, ये कहाँ का हाईली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सबका सब साथियों ये सब दोस्तों ये सबका सब फेक है। चलते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ और कमेंट्स के साथ में आप जो है बहुत कुछ अपना शेयर करेंगे, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या देखा, आप क्या जानते हैं, और हाँ आप सब पढ़े लिखे अगर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, आपका मन भी आपका माइंड भी कुछ कह रहा होगा कि ये भारद्वाज जी क्या बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं आप भी इस चक्कर में ना आ जाएं। सवाल आज का नहीं है, सवाल ये नहीं कि अब से पहले जो हो गया, सवाल यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे जो लोग हैं ये कहाँ लेके जा रहे हैं, शास्त्रों का क्या हाल करने वाले हैं, चिंता इस बात की है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, 4-5 तरीके अगले वीडियो में फिर से आपसे शेयर करूंगा, इन लोगों का झूठ, इनकी 420 इनका फ्रॉड और इनकी बाजीगरी और जादूगरी इनकी पकड़ने के लिए क्या तरीका यूज करना है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं मैं,
इसी तरह से दुकान खोल के बैठूंगा जैसे आप हो, मैं बेचूंगा नहीं, डरना नहीं, मैं इसलिए बेचूंगा नहीं, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।